2022 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। नेता भी अपने नफा नुकसान को देखते हुए एक पार्टी से दूसरे पार्टियों की ओर रुख करने लगे हैं। आने वाले चुनाव के मद्देनजर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बसपा के नेताओं को अपने पाले में लाने में जुटे हैं। राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, आरएस कुशवाहा के बाद अब 2013 दंगे का आरोपी कादर राणा भी हाथी से उतरकर साइकिल की सवारी करने निकल पड़े हैं। दरअसल कादर राणा पर 2013 दंगे से पहले एक सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में दंगा भड़क गया था। एक तरफ बसपा है जो यह साफ कह चुकी है कि वो किसी भी माफिया या गुंडे को टिकट नहीं देगी, तो वहीं दूसरी ओर सपा का ये कदम कुछ और इशारा कर रहा है। समाजवादी पार्टी में अभी फुल सांसद है कादर राणा में, अभी समाजवादी पार्टी के क्या उनका क्या है? कादर राणा है, पूर्व सांसद सदस्य रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कराई है। जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है उसका सब स्वागत करते हैं। कादर राणा पर दंगे के मुकदमे लगे थे पहले? देखिए, मुकदमे तो लोग FIR कराते हैं होते हैं, और आदमी सब सुधरने का प्रयास करता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है उसको सोच समझ के निर्णय लिया है। और दूसरे जो सत्ता पक्ष है उन्होंने इस चीज़ को मुद्दा बना लिया कि मुकदमा तो सत्ता पक्ष के कितने लोगों पर है? सत्ता पक्ष के असंख्य लोगों पर मुकदमे हैं, उन्हें पहले अपना सोचना चाहिए। जहाँ तक व्यक्तिगत बात है कादर राणा जी की, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है, जनपद के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हम तो उनका स्वागत करते हैं आने। एक तरफ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्णय को सोच समझकर लिया गया निर्णय बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2013 दंगे का वो पीड़ित परिवार है जो कादर राणा को हत्यारा और गद्दार बता रहे हैं। जब वहाँ पहुंचे तो कादर राणा थे का वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, क्या कहना आपको जब आपके पति को समझते? हाँ, तो उससे समाज में क्यों वो कर रखा शामिल? उसे वो तो एक गद्दार था, आदमी धोखेबाज था। जब हमारे आदमी की हत्या हो गई थी तो हम इसे उस कैसे वो करेंगे बताओ तुम? अब उसे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए? हाँ, तो गलत है ना, जो समाजवादी पार्टी में उसे शामिल करने लग रहे, शामिल वाले भी तो कर रहे, गलत है ना। एक उनने कितनी हत्या करवा रखी लोगों की, कितनी हत्या कर रखी, जब हमारे आदमी की उनने हत्या करवा रखी है तो हम क्या उसे सही कह मांगे? कोई अच्छा आदमी थोड़ी है, वो तो गद्दार समझो उसे, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो है कोई संपन्न शामिल होने वाला बताओ? तो वो गद्दार आदमी है, हम उसे अच्छा ही नहीं कहने के, जब हमारे साथ ही धोखा करवा उनने, जब हमारा उनने घर उजड़वाया, तो हम अच्छा कैसे कहेंगे उसे? तो उसे तो गद्दार आदमी है, वो तो पार्टी समाज में क्यों उसे भर्ती कर रहे, उसे लो ही ना। बता दें कि कादर राणा का सपा से बहुत पुराना नाता है। कादर राणा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही की थी, और 1993 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद MLC चुने गए, जिसके कुछ ही समय बाद सपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में गए। वहां से विधायक का चुनाव जीतने के बाद बसपा का दामन थामा और अब फिर से साइकिल की सवारी पर निकल चुके हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।